गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज हिंदी शिक्षण के माध्यम से मैं आपको वर्णमाला क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। वर्णमाला वर्णमाला पहले देख लेते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। वर्णमाला जिसमें हिंदी शिक्षण के जो वर्ड होते हैं उनको किस तरह व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है उसको वर्णमाला कहते हैं। हिंदी शिक्षण में हिंदी के अक्षरों को, हिंदी के वर्णों को किस प्रकार से सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से रखने की प्रक्रिया को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने वर्ड होते हैं? इसमें टोटल 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या है, संख्या है, 52 वर्ड होते हैं। ठीक, और इसमें अब इसका विभाजन कर देते हैं 52 का, तो यहाँ लिखेंगे स्वर। इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं इसमें 11। कितने होते हैं? 11। ठीक है, और व्यंजन, व्यंजन इसमें, व्यंजन कितने होते हैं इसमें? 33। कितने होते हैं इसमें व्यंजन? होते हैं इसमें 33। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 11 और 33 कितना हुआ? 44। बाकी के जो 8 वर्ड हैं जो, वो कहाँ है? तो इसके बाद होते हैं इसमें संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, इनकी संख्या होती है 4 है। अब आ जाते हैं इसमें और भी वर्ड होते हैं, जो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन ये कितने होते हैं? ये होते हैं 2। अब क्या आगे, और क्या है इसमें? अब कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, और भी दो व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? दो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है अनुनासिक होता है एक तो, ठीक है, और एक होता है विशर्ग। मतलब कि ये अंग और ये वर्ड होते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, अब आगे जाते हैं इसमें क्या है। संयुक्त व्यंजन इन सभी के बारे में पता क्या क्या ये क्या होते हैं? स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आ और बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा, ओ ई, ठीक, ये कितने हो गए? 11।
अब व्यंजन में क्या 33 उम्र का से लेके मा तक सभी पंचम वर्ग, ठीक है। व्यंजन का से लेकर का हा ना ना, ठीक है। ये हो गए 33, ये कितने हो गए, ये हो गए 33, ठीक। और अब क्या आता है संयुक्त व्यंजन, चार है तो पहला क्या हुआ क्षेत्र और ऋषि, ठीक है। अब आता है उच्छेत्र, ये कौन कौन से हैं, एक होता है ना और एक होता है ना, ठीक ठीक हो गया ये पूरा, मतलब वर्णमाला, ठीक है।